नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में परेचा घाट पर हुए मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। परेचा घाट पर मौजूद सनत कुमार परेचा घाट पर वर्कर के रूप में काम करता है, जहां पर रोज की भांति आज भी घाट पर काम कर रहा था। इसी दौरान मानवेंद्र राजपूत आए और पैसों की मांग करने लगे, साथ ही घाट के मालिक के बारे में पूछताछ करने लगे। जब उसने कहा कि वह बिना मालिक के पूछे कोई भी पैसा किसी को नहीं देगा, जिसको लेकर वह आगे की ओर बढ़े और घाट पर चल रही मशीनों का वीडियो बनाने लगे, जिसको लेकर मना किया गया तो मानवेंद्र राजपूत हावी होते हुए गाली गलौज करने लगे। जब उसने मना किया तो उसकी लात घूसों से जमकर मारपीट कर दी। वही इस पूरे मामले की सूचना उसने घाट मालिक को दी। सूचना मिलते ही घाट मालिक मौके पर पहुंचे और तत्काल पीड़ित ने पूंछ पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सनत कुमार है मेरा नाम, स्किल के रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं? हम परेचे घाट पर रहते हैं। क्या हो गया? हम वहाँ काम कर रहे थे और दो लोग आए, वो पूछने लगे घाट का मालिक कहाँ है। हमने कहा क्यों, क्या करना है, तो मुझे धक्का देने लगे, कहने लगे मुझे पैसे लेना है। तो हमने कहा तो भाई साहब तो है नहीं, किस बात के पैसे लेने हैं। तो बोलने लगे नहीं बता रहे हो, तो मैं वीडियो बनाने लगा। वो लोग वीडियो बनाने लगे, वो मुझे मारा है, मतलब बाल आल खींचे हमारे, मतलब काफ़ी है। कौन लोग? एक जने मानवेंद्र राजपूत थे और एक रवि सानी था, दो लोग थे। किस बात के पैसे लेने थे? अब ये पता नहीं है किस बात के पैसे लेने आए थे, बोलने लगे मुझे पैसे लेना है। मेरे 1200 रुपये थे, वो भी ले लिए। मारपीट किया? हाँ मारपीट किया, मेरे बाल आल खींचे हैं, मुझे पटका है। कहीं शिकायत की आपने? हाँ हाँ शिकायत की, हमने अभी पूंछ थाने में शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला है? है? क्या आश्वासन मिला है? हाँ। क्या कहा है अधिकारियों ने आप? अब वो कहने लगे आपका न्याय होगा। मानवेंद्र राजपूत के मुताबिक वह परेचा घाट पर अवैध खनन हो रहा है, जिसकी वजह से पनारी रोड बुरी तरह से उखड़ गया है, जिसमें गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसको वह देख रहा था। इसी दौरान वहां से वापस आ रहा था, जैसे ही वह मोड़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर बमरौली तिराहे के पास पहुंचा, तभी घाट मालिक एवं अन्य 6-7 लोगों के साथ गाड़ी में आए और कट मार दिया, जिससे गाड़ी बाल बाल खाई में गिरने से बच गई। साथ ही उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े थे। साथ में उक्त लोग हथियार भी लिए थे। फिलहाल पीड़ित ने इसका लिखित शिकायती पत्र मोड पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई है। सिंह राजपूत है, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा एवं मोर्चा पूंछ। क्या हो गया? अरे मैं अपने गांव गया था पनारी, तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं ओवरलोड, तो वहाँ गड्ढा हो जाते हैं, जाने आने में दिक्कत होती है। अभी क्रेशर वालों ने 4-6 दिन पहले वो रोड सही किया है, फिर से वहाँ पे बालू वाले अब तो डंपर बड़े बड़े भर के जा रहे हैं, तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं। यही देखने में परेशा चला गया, तो वहाँ पे देख रहा है उनका वहाँ पे अवैध खनन हो रहा था, जहाँ उनका कुछ है ही नहीं, पट्टा अट्टा वहाँ से बालू उठा रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, मैंने वीडियो बनाई। इसके बाद मैं वहाँ से आ रहा था, तो यहाँ वो घाट मालिक वो रमाकांत राजपूत काली स्कॉर्पियो है, 5-6 लोगों के साथ आया और उसने सीधे मुझमें जड मारने की, सीधे एक तरफ मेरी तरफ गाड़ी मोड़ दी। मेरे साथ जो गाड़ी चला रहा था रवि सोनी, उसने एकदम से गाड़ी खाई की तरफ मोड़ दी, तो गिरते गिरते मैं बाल बाल हम लोग झकड़ों में घुस गए और गिरते गिरते बाल बाल बचे। फिर जो लोग 5 लोग उतर के आए, गाली गलौज की और हाथ में तमंचे वमंचे लिए, धमकी दी, बोले आज के अंदर दिखाई दिए तो गोली मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत की है आप? जी सर, थाने में आए हैं सर एप्लीकेशन देने के लिए। किस थाने में आए हैं सर? मोठ मोट मोट। क्या चाहते, क्या होना चाहिए सर इसमें? ये हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? अब जान माल का खतरा है, उससे तो हमें कभी कभी ठोक दे। हम तो भाई कभी बाइक से जा रहे हैं, हमारा गांव है पनारी, हो सकता है आज नहीं कल वो रंजिशन मार सकता है।